क्रिकेट की जबरदस्त खबरों के लिए सब्सक्राइब करें एसके न्यूज एक्सप्रेस को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट की हर खबर मिले आपको सबसे पहले। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया को बांग्लादेश से T20 सीरीज खेलनी है। खबर है कि इस सीरीज के लिए विराट कोहली को आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह कप्तानी रोहित शर्मा कर सकते हैं। पिछले साल अक्टूबर से कोहली ने ज्यादातर मैचों में हिस्सा लिया और इस दौरान वह भारत के 56 से 48 मैचों में खेले। बांग्लादेश सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन 24 अक्टूबर को किया जाएगा। चयन समिति के करीबी एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया, काम के बोझ के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए संभावना है कि विराट को आराम दिया जा सकता है। वो अपने शरीर को सर्वश्रेष्ठ तरीके से समझता है और अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद भी चयनकर्ताओं से आराम की मांग कर सकता है। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज का आगाज 3 नवंबर से होगा। दूसरा मैच राजकोट में 7 नवंबर और तीसरा मैच नागपुर में 10 नवंबर को खेला जाएगा। दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला 14 नवंबर से इंदौर में शुरू होगी, जो विश्व टेस्ट चैंपियन का हिस्सा है। दूसरा और अंतिम टेस्ट कोलकाता में 22 नवंबर से खेला जाएगा। भारत दिसंबर में 3 T20 और इतने ही एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला में वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगा। बता दें बांग्लादेश ने भारत दौरे के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। खबरों के मुताबिक 24 अक्टूबर को होने वाली सिलेक्शन कमेटी की बैठक में टीम इंडिया कुछ युवा खिलाड़ियों को चुन सकती है। इनमें शिवम दुबे और संजू सैमसन का नाम भी शामिल है। ये दोनों खिलाड़ी विजय हजारे ट्रॉफी से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।